मुरादाबाद शहर के बुद्धि विहार इलाके में लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित श्री राम कथामृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, महापौर विनोद अग्रवाल के साथ मुरादाबाद शहर के राजनैतिक सामाजिक हस्तियों ने पहुंचकर श्री राम कथा को सुना और इस धार्मिक कार्यक्रम को सराहा। शहर के बुद्धि विहार इलाके में 1 फरवरी से 9 फरवरी तक श्री राम कथा का आयोजन हुआ, जिसमें कथावाचक पंडित पूज्य रमेश भाई ओझा ने सभी भक्तों को सत्य के रास्ते पर चलकर समाज को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथामृत महोत्सव समिति के तत्वावधान में शहर के बुद्धि विहार इलाके में श्री राम कथामृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस श्री राम कथा का विधि विधान के साथ समापन हो गया। लाभ लिया, सामने श्रोता न हो ऐसे समर्पित अनुशासित, तो हम कथा किसको सुनावे। इसलिए आप सबके लिए प्रार्थना, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कथा अभी तक 9 दिन हमने कही सुनी, अब इनमें से जो जो सूत्र पसंद आए हों, आचरण का अब ये समय है। हम अपने जीवन में सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे अपने जीवन में ले आए। अयोध्या के नूतन निर्मित दिव्य भव्य मंदिर में विराजित राम लला का स्मरण करें, कनक भवन में बैठे हुए श्री सीताराम जी युगल सरकार का स्मरण करें, हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी का स्मरण करें, काशी विश्वनाथ का स्मरण करें और मथुरा में प्रकट हुए श्री देवकी नंदन और यशोदानंदन वृंदावन बिहारी का स्मरण करें। धन्य है हम, सनातनी होने का गौरव लें, सनातन धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करें, अपने बच्चों को भी दें और आने वाले दिनों में भारतवर्ष को और ऐसा मजबूत बना करके ऊपर उठाएं कि विश्व में जगत गुरु बन करके भागत पुनः भारत उभरे, जो कि वो उसका स्थान है। इसी शब्दों के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ। ठाकुर जी कभी आपको ले आए गुजरात तो द्वारकाधीश जी और सोमनाथ भगवान का दर्शन करने, और बीच में ही हम लोग है पोरबंदर में सुदामापुरी में, और वैसा ही भव्य मंदिर ठाकुर जी ने बनवाया है जैसा सोमनाथ का द्वारका का है। श्री हरि विराजमान है श्री हरि मंदिर में। ठाकुर जी कभी आपको ले आए, आप सादर, मैं तो कथा के हिसाब से चाहे प्रवास में हूँ लेकिन भगवान श्री हरि तो वहाँ आपकी प्रतीक्षा कर ही रहे हैं। आइएगा, ठहरना चाहे ठहरिएगा, भोजन इत्यादि सब प्रसाद ठाकुर जी ने व्यवस्था करी है। हमारे बच्चे वेद घोष कर रहे हैं, वेद सीख रहे हैं, वो सब कुछ जो चल रहा है उसका दर्शन करिएगा। गौशाला में जाकर 300 गायें हैं हमारे पास छोटी। श्री राम कथा के समापन के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं श्री राम कथा के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी पहुंचे और उन्होंने श्री राम कथा को सुना और कथा के समापन पर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार और राम कथा अमृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल उपस्थित रहे। पिछले 9 दिनों से चल रही श्री राम कथा अमृत महोत्सव की यात्रा आज इसी पावन तिथि में विराम को प्राप्त हुई है। इन 9 दिनों में संत शिरोमणि भाई श्री रमेश भाई ओझा जी द्वारा राम कथा का अमृत महोत्सव में जिस प्रकार से श्री राम कथा के माध्यम से अमृत वर्षा की गई, उसने हमारे मन और बुद्धि को झकझोर कर रख दिया। यह 9 दिन तो पलक झपकते ही बीत गए, पता ही नहीं चला। वेद तत्व के परम ज्ञानी पूज्य भाई श्री द्वारा जिस प्रकार सरल भाषा में गूढ़ विषय का चित्रण किया गया तथा जिस प्रकार से सनातन संस्कृति में विकृति का रूप उत्पन्न होने वाली घटनाओं का को उसके सही अर्थ व परिप्रेक्ष्य में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, वह स्तुति करने योग्य है।